पर सरफेस एल साइड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, अभी पेपर के प्लेन में पढ़ रहे हो तो पेपर में है, बोर्ड के प्लेन में एक स्क्वायर है, और फील्ड यूनिफॉर्म ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर लिमिटेड बाय द लोअर सरफेस ऑफ द स्क्वायर, चलो लोअर सरफेस स्क्वायर से है। अब कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है इससे कितना फ्लक्स है या पूरे स्क्वायर से कितना फ्लक्स है। अब जब फील्ड इसी के प्लेन में है, स्क्वायर भी इसी के प्लेन में है, तो कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगी। फील्ड लाइन तब क्रॉस करेगी जब बोर्ड से क्रॉस होगी, ऐसे ऐसे फील्ड लाइन जाएगी तब तो फ्लक्स बनेगा मेरे भाई, या ऐसे जाती थीटा डिग्री पे। तो अभी फील्ड लाइन भी उसी के प्लेन में, दोनों सेम प्लेन में है, तो फ्लक्स बनेगा जीरो। मैथमेटिकली भी देख सकते हो फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, एरिया वेक्टर स्क्वायर का ये प्लस की डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में आएगा, तो एरिया वेक्टर बाहर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड में रह गया, तो थीटा 90 हो गया, तो कॉस 90, ई ए कॉस 90, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स बन गया जीरो। आया समझ में, नहीं समझ में आया ऐसे देखो, ये हॉरिजेंटल स्क्वायर है और इसी में फील्ड लाइन भी है और इसी में एरिया के पैरेलल है, तो कोई फील्ड लाइन है इसको क्रॉस नहीं करेगी। फ्लक्स तब बनेगा जब फील्ड लाइन ऐसे जाएगी या थीटा डिग्री पे इसको पेनिट्रेट करेगी, इसको क्रॉस करेगी इस सरफेस को, बराबर है। तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो दूसरे लेक्चर में हम लोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।